भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख के दौरे पर चुशूल स्थित रेजांगला पहुंचे हैं। यहां उन्होंने 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में नए सिरे से बनाए गए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये युद्ध स्मारक 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई में चीन को पटखनी देते हुए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था। 59 साल पहले भारतीय जवानों ने वीरता की एक ऐसी कहानी लिखी थी जो आज भी युवाओं के जहन में देशभक्ति की भावना को जगा देती है। चीन की सीमा से सटे हुए लेह लद्दाख का इलाका है रेजांगला। यहीं पर भारत ने चीन से 1962 की वो जंग लड़ी थी जिसमें भारतीय सेना के 114 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन इस वीर गति की कहानी शायद आज किसी को पता भी नहीं होती अगर एक गड़रिया अपना रास्ता नहीं भटकता। बात साल 1963 के फरवरी के पहले हफ्ते की है जब चीन से लड़ाई खत्म हुए पूरे 3 महीने बीत चुके थे और फरवरी की ठंड में एक लद्दाखी गड़रिया भटकता हुआ चुशूल से रेजांगला पहुंच गया, जहां उसने जंग में तबाह हुए बंकर और इस्तेमाल की हुई गोलियां देखी। ये सब देखकर कौतूहलवश गड़रिया उसके पास पहुंचा। जब वो और पास गया तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर पड़े थे। शवों को देखते ही गड़रिया पहाड़ से भागता हुआ नीचे आया और उसने भारतीय सेना की एक चौकी पर इसकी सूचना दी। जब भारतीय सैनिक उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारतीय जवानों के जमे हुए शव पहले की तरह अपने हथियारों के साथ खड़े थे। हर मृत भारतीय सैनिक के शरीर पर गोलियों के कई कई जख्म थे। कई अभी भी अपनी राइफलें थामे हुए थे और नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में सिरिंज और पट्टी का गोला था। कुछ सैनिकों की राइफलें टूट कर उड़ चुकी थी लेकिन पट सैनिकों के हाथों में ही थी। दरअसल हुआ यूं था कि लड़ाई खत्म होने के बाद इस इलाके में भारी बर्फबारी हुई और इस इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया, इसलिए वहां कोई जा नहीं पाया और लोगों को शहादत देने वाले वीर जवानों के बारे में पता ही नहीं चला कि इन 114 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या है। लोगों को यहां तक अंदेशा था कि वो युद्धबंदी बन गए हैं। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि चीन के सैनिक भी इन भारतीय सैनिकों की वीरता देखकर दंग रह गए थे। चीनी सैनिकों ने युद्ध स्थल पर एक प्लास्टिक की पट्टी पर ब्रेव लिखकर इन सैनिकों के शवों के पास सम्मान पूर्वक उसे रखा था और वहीं सम्मान के प्रतीक के रूप में धरती पर संगीन गाड़ते हुए उस पर टोपी लटकाकर वो चले गए थे। आपको बता दें कि 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सेना ने 18 नवंबर को तड़के 4 बजे रेजांगला पोस्ट पर हमला बोल दिया था। चीन चुशूल और लेह के बीच की सड़क को बंद करके भारत के इस पूरे इलाके का संपर्क तोड़ना चाहता था, लेकिन इन 114 भारतीय जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना चीनी सैनिकों से लोहा लिया था, जबकि भारतीय सैनिकों के पास ना तो कोई तोप थी और गोला बारूद भी बेहद कम था। भारतीय सैनिक ये बात अच्छे से जानते थे कि 2000 चीनी सैनिकों के सामने 120 भारतीय हार जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी आखिरी सांस तक भारत के लिए लड़ते रहे। यहाँ तक कि इस जंग में भारतीय सैनिकों ने चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। आपको ये भी बताते कि रेजांगला में पहले भी वॉर मेमोरियल था लेकिन वो छोटा था। नए रेजांगला वॉर मेमोरियल को बड़ा बनाया गया है। इसमें 108 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया है जो भारतीय सैनिकों की वीरता याद दिलाता है। नए वॉर मेमोरियल में सभी 114 शहीदों के नामों वाली पत्थर की पट्टिकाएं लगाई गई हैं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।